इन दिस वीडियो लेक्चर सेवेंटीन वी विल लर्न अबाउट मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू विद दी हेल्प ऑफ कोर कम्पिटेंसीज तो पिछली वीडियो में हमने कॉम्पिटिटिव एडवेंटेज के बारे में बात की थी इस वीडियो में हम कोर कम्पिटेंसीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे एक कंपनी कोर कम्पिटेंसीज के थ्रू एक सुपीरियर कस्टमर वैल्यू को जनरेट कर सकती है तो ट्रेडिशनली क्या था क्लासिकली आप देखिए बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम भी आप बोल सकते हैं या आप कह सकते हैं नाइनटीन के टाइम में और ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है कंपनीज़ ऑनड एंड कंट्रोल्ड ध्यान दीजिए कंपनीज की जो ओनरशिप है वो इनपुट्स के ऊपर रहती थी टोटल जितने भी इनपुट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड थे वो सभी कंपनी के कंट्रोल में थे तो कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सिज डेट एंटर्ड देयर बिज़नेसेस, वर्क फोर्स लेबर पावर जिसको बोल सकते हैं मेटेरियल्स रो मेटेरियल्स पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स मशीन्स इंफॉर्मेशन एनर्जी टेक्नोलॉजी ओके सो ऑल दिस आर ओन्ड एंड मैनेज बाई ए कंपनी बट नाउ ए डेज सिचुएशन इज वेरी वेरी चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनी कंपनीज़ टूडे आउटसोर्स ध्यान दीजिए मैनी कंपनीज़ टूडे आउटसोर्स लेस क्रिटिकल resources इफ़ दे कैन obtain बेटर क्वालिटी और एट लोअर कॉस्ट तो यदि कंपनी को कम लागत के ऊपर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग के थ्रू मिल रहे हैं तो कंपनी आउटसोर्स करेगी कंपनी उन रिसोर्सेज के में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो इंडिया हैज़ डेवलप्ड एज ए रेपुटेशन एज ए कंट्री That can provide ample outsourcing support. Okay. The key is to own and nurture the resources. ध्यान दीजिए ये सारा पॉइंट ये जितना भी लेक्चर है वो इसी जो है स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड है. The key is to own and nurture the resources and competencies. दो पॉइंट हैं रिसोर्सेस एंड कॉम्पिटेंसेस एंड दैट मेक अप द एसेंस ऑफ़ द बिज़नेस. हर एक कंपनी को अपने रिसोर्सेज और अपनी कंपिटेंसीज़ के बारे में क्लियर कट पता होना चाहिए और यदि वो रिसोर्सेज और वो कंपिटेंसीज उस कंपनी के पास है तो वो कंपनी अपने बिजनेस में सक्सेस होगी अपने बिजनेस में ग्रो करेगी एग्जांपल से समझ लीजिए नाइकी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इट डज़ नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन शूज़ बिकॉज सर्टेन एशियन मैन्युफैक्चरर्स आर मोर कंपिटेंट इन दिस टास्क तो सिंपल क्लियर कट आपको क्या यहाँ से समझ आ रहा है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो ज़ीरो है कंपनी के पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग फिर कंपनी कहाँ से करवाती है आउटसोर्सिंग के थ्रू तो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इज पॉसिबल विद दी हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग तो नाइकी किसके ऊपर फोकस कर रही है या करती है नाइकी नर्चर्स इट्स सुपीरियरिटी इन शू डिजाइन डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड मर्चेंडाइजिंग मतलब सेलिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट तो इसलिए शू डिज़ाइनिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर आप बात कर सकते हैं तो कंपनी दो ही अपनी नाइकी कंपनी की दो ही कोर कंपिटेंसीज हैं डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग या मर्चेंडाइजिंग द प्रोडक्ट्स इन दी टारगेट मार्केट तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि नाइकी जो स्पोर्ट्स कंपनी है का पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी एरिया में कोई प्रोडक्शन प्लांट नहीं है तो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन विद दी हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग ओके तो इसलिए इस कंपनी की जो कोर कंपिटेंसीज़ हैं दो ही होती हैं शू डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग तो अगर आप किसी भी सक्सेसफुल कंपनी का एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं और आप उसको कोट करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कंपनी की कोर कम्पिटेंसीज क्या हैं तो जैसे मारुति का कोर कम्पिटेंसी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज़ द कोर कंपीटेंसी ऑफ ए मार्केटिंग मारुति सुजुकी कोर कम्पिटेंसी की तीन करैक्टरस्टिक्स हैं पहली क्रैक्टरस्टिक्स क्या है कोर कॉम्पिटेंसी इज ए सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन डैट इट मेक्स ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू परसिवड कस्टमर बेनिफिट्स हाउ ए कंपनी कैन क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्वेश्चन अराइज इज हाउ ए कंपनी कैन क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द टारगेट मार्केट तो कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी मिल सकता है जब कंपनी के पास कोर कम्पिटेंसी हो तो इसलिए कोर कॉम्पिटेंसी की एक करेक्टरिस्टिक्स क्या है सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखिए माइकल पोर्टर ने दो थ्योरीज बताई हैं एक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ फार्म्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ फार्म्स और सेकंड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट में जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है तो उसमें जो एक थ्योरी वहाँ पर आप पढ़ते हैं उसका नाम है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ ए नेशंस जिसको हम डायमंड मॉडल के थ्रू जो है सीखते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ फर्म्स है उसकी भी जो है पाँच जो है वो फोर्सेस होती हैं जैसे बारगेनिंग पावर ऑफ़ बायर बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो मैंने दो फोर्सेस के नाम आपको बता दिए हैं तो शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये दोनों मॉडल आपने पहले अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं ओके सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स देखिए कि कोर कम्पिटेंसी हैज एप्लीकेशंस इन ए वाइड वराइटी ऑफ मार्केट्स उसका एक कोर कंपिटेंसी का जो अप्लीकेशन जो है वो सिर्फ एक कुछ लिमिटेड मार्केट तक ही सीमित नहीं है वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स जैसे नाइकी का ब्रांड वैल्यू देखिए आप नाइकी जो है शू के अतिरिक्त यदि कोई गारमेंट्स भी बनाती है उसका कोई टी शर्ट आता है या उसका कोई लोअर पार्ट लोअर है ड्रेसिंग में या उसका कोई ट्रैक पैंट है या ट्रैक आइटम्स हैं जो स्पोर्ट्स में यूज होती हैं तो उन अलग अलग एरिया में भी कंपनी अपने उस ब्रांडिंग का एडवांटेज ले सकती है अपनी उस कोर कंपिटेंसी को यूज़ कर सकती है और तीसरी मेन करैक्टरिस्टिक्स देखिए आप ध्यान दीजिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट इसका मतलब है कि इमिटेट का मतलब है इसको कॉम्पिटिटर्स नकल नहीं कर सकते कॉम्पिटिटर्स इस कोर कॉम्पिटेंसी को चोरी नहीं कर सकते इसको इमिटेट करना इसको कॉम्पीट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है तो ये तीन करैक्ट्रिस्टिक्स हैं कोर कॉम्पिटेंसीज़ की ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एडवेंटेज आल्सो अकर्स टू कंपनीज़ डैट प्रोसेस डिस्टिंगटिव कैपेबिलिटीज़ ये एक अलग पॉइंट यहाँ से आपको सीखना है कि कोर जो कम एडवाटेज है वो सिर्फ ये सोर्स सिर्फ कोर कम्पिटेंसी का ही सोर्स नहीं है बल्कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक कंपनी को किससे मिल सकता है अपनी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज के थ्रू भी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है कोर कम्पिटेंसी का मतलब क्या है द एरियाज ऑफ स्पेशल टेक्निकल एंड प्रोडक्शन एक्सपर्टाइज जैसे दो ही कोर कम्पिटेंसी हमने नाइकी के एग्जाम्पल में ली है शू डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग या ब्रांडिंग आप जिसको बोल सकते हैं लेकिन जो डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं दे दिस डिस्क्राइब एक्सीलेंस इन ब्रॉडर बिजनेस प्रोसेसेस तो ये काफ़ी ब्रॉडर बिजनेस प्रोसेस में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ओके तो इनका जो स्कोप जो है वो वाइड होता है ब्रॉडर होता है वार्टन जॉर्ज डे वार्टन बिजनेस स्कूल है उसका एक प्रोफेसर है जॉर्ज डे सीज मार्केट ड्रीवन ऑर्गेनाइजेशन एज एक्सीलिंग इन थ्री डिस्टिंगटिव कैपेबिलिटीज़ तो उसके हिसाब से जो डिस्टिंगटिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो तीन तरह की होती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को इन तीनों ही कैपेबिलिटीज़ में बहुत ही परफेक्शन लेके आनी पड़ेगी एक तो मार्केट सेंसिंग कस्टमर लिंकिंग एंड चैनल बॉन्डिंग ओके तो मार्केट सेंसिंग है कस्टमर लिंकिंग है एंड चैनल बॉन्डिंग है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अल्टीमेटली ड्राइव्स फ्रॉम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड की चीज़ के कि हाउ वेल द कंपनी हैज़ फिटेड अगेन आई एम रीडिंग हाउ वेल द कंपनी हैज़ फिटेड इट्स कोर कंपिटेंसीज एंड डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ इन टू टाइटली इंटरलॉकिंग एक्टिविटी सिस्टम तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक्टिविटीज जो सिस्टम होता है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ का बॉन्डिंग होता है उनको आप फेविकोल का मजबूत जोड़ तो इसलिए ये आपने सुना है तो इसलिए कोर कंपीटेंसीज प्लस डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ इन दोनों को मिला के आप एक एक्टिविटी सिस्टम को क्रिएट करेंगे तो इसलिए तो इसलिए हर एक कंपनी का अपना एक एक्टिविटी सिस्टम होता है जिसके दो पार्ट होते हैं एक कोर कंपिटेंसीज़ एंड सेकेंड इज डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ नेक्स्ट इज बिजनेस रीअलाइनमेंट मे बी नसैसरी टू मैक्सिमाइज कोर कंपिटेंसीज देखिए यदि कोई कंपनी अपनी कोर कंपिटेंसीज़ को मैक्सिमाइज करना चाहती है तो उसको अपनी बिजनेस री अलाइनमेंट करना पड़ेगा नाइकी का एग्जाम्पल लीजिए उसकी दो कोर कंपिटेंसी हैं अगर उसको कंपनी डे बाई डे इम्प्रूव करना चाहती है मैक्सिमाइज करना चाहती है तो ऐज पर चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट एक कंपनी अपने स्कोप ऑफ बिजनेस को एक कंपनी अपनी बिजनेस डेफिनेशंस को रीअलाइनमेंट करेगी तो जो रीअलाइनमेंट के तीन स्टेप्स होते हैं रीडिफाइनिंग द बिजनेस कंसेप्ट और बिग आइडिया जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं रोबोटिक्स मशीन लर्निंग तो ये जो अमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से एक कंपनी को अपने बिजनेस को रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा अपने बिजनेस की डेफिनेशनस को अपने बिजनेस के कंसेप्ट को चेंज करना पड़ेगा रीडेफिनेशन करना पड़ेगा रीशेपिंग द बिजनेस स्कोप एंड री द कंपनीज ब्रांड आइडेंटिटी ओके तो मैं दोबारा इस पॉइंट्स को आपको समझा रहा हूँ कि बिजनेस जो रीअलाइनमेंट है जैसे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है कुछ नई नई तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित हो रही है एक कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और कई तरह की अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रही है ओके तो इसलिए मशीन लर्निंग का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग में मशीन लर्निंग का यूज़ मार्केटिंग में मशीन लर्निंग का यूज फाइनेंस में कैसे एक कंपनी कर सकती है तो इस इक्कीसवीं सदी में जो डिजिटल जो इरा है इसमें हर एक कंपनी को अपने बिजनेस रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा यदि कंपनी सर्वाइव करना चाहती है कंपनी ग्रो करना चाहती है और इसलिए बिजनेस रीअलाइनमेंट के तीन स्टेप्स हैं रीडिफाइनिंग द बिजनेस कंसेप्ट रीशेपिंग द बिजनेस स्कोप एंड रीपोजिशनिंग द कंपनीज ब्रांड आइडेंटिटी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशंस एंड कस्टमर वैल्यू के बारे में सीखेंगे ओके थैंक यू वेरी मच